उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक सीटों पर आज वोटिंग जारी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रामपुर और मैनपुरी की, और रामपुर मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़, यानी कि आजम खान का गढ़ और मुलायम सिंह यादव का गढ़। और जब तक ये दोनों नेता सत्ता में रहे तो भारतीय जनता पार्टी की दाल जो है वो उत्तर प्रदेश में गल नहीं पाई। अब जब सत्ता में आ गए हैं तो साम दाम दंड भेद सब चीजें अपनाने के लिए, इन सीटों को जीतने के लिए हर पैतरा भारतीय जनता पार्टी ने अपनाना शुरू कर दिया है। जहां रामपुर में आजम खान की मोहब्बत आवाम को लेकर के क्या है वो समय समय पर सामने आती रही है, और आज जब रामपुर में उपचुनाव चल रहा है तो आजम खान के जो करीबी प्रत्याशी है वो नाची जाए इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। जहां आजम खान ने बड़ा आरोप लगा दिया है कि हजारों मुसलमानों को वोट डालने से रोका जा रहा है, और यह धमकी दी जा रही है कि अगर घरों से बाहर निकले तो आपको पीटा जा सकता है। ये कहना है रामपुर के दिग्गज नेता आजम खान का। तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर व खतौली सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बर्बरता की जा रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, पुलिस मोहल्लों में जाकर कह रही है कि वोट मत डालना। एक मोहल्ले में पुलिस ने इतना धमकाया कि लोगों ने घरों में ताला लगाकर पलायन किया है। हर जगह कहा जा रहा है कि वोट डालने मत जाना। बता दें कि आजम खान की साख भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि रामपुर विधानसभा सीट से उनकी सदस्यता रद्द हो जाने के बाद यहां से भी उपचुनाव हो रहे हैं। भड़काऊ भाषण के मामले में उन्हें हाल ही में 3 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया था और उपचुनाव का ऐलान किया गया था। इस सीट से सपा उम्मीदवार आसिम रजा और भाजपा उम्मीदवार आकाश सक्सेना आमने सामने हैं। इस चुनाव में आजम खान की साख दांव पर लगी हुई है। उन्होंने प्रचार के दौरान लोगों से कई तरह की भावुक बातें भी कही। आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। इसके अलावा यूपी में रामपुर सदर और खतौली, उड़ीसा में पदमपुर, राजस्थान में सरदा शहर, बिहार में कुड़नी और छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सिफई में वोट डाला है। वोट डालने के बाद अखिलेश ने डिंपल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस की कोशिश ये है कि समाजवादी पार्टी का वोट ही ना पड़ने दिया जाए। रामपुर में यही हाल है, उस दिन से हम लोग वोट मांग करके आए हैं। वहां भी कोशिश हो रही है कि सपा का वोट पड़ने ना दिया जाए। अखिलेश ने कहा कि रामपुर में कहीं भी लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा, पुलिस लोगों को चेक कर रही है, जिसके पास आईडी है उनको भी वापस किया जा रहा है। सपा के वोट वाले मोहल्ले और गांव में बाहर से आए सुरक्षा बलों को लगाया गया है। अखिलेश ने कहा कि मैनपुरी नेताजी की भूमि है, समाजवादी पार्टी को कोई नहीं रोक सकता। बड़ी तादाद में लोग समाजवादी पार्टी को वोट कर भी रहे हैं। मैनपुरी में नेताजी के प्रति जो सम्मान है, इसलिए एक एक वोट सपा को चल रहा है। इसलिए बीजेपी बुरी तरीके से घबराई हुई दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार 9 बजे तक मैनपुरी में 7%, खतौली में 6 और रामपुर में 4% मतदान ही हुआ है। इससे पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल व रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान ने चुनाव में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मतदान के बाद
सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस प्रशासन मनमानी कर रहा है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि पर्याप्त रूप से ड्यूटी के लिए तैनाती की जाए, लेकिन जब मतदान दल पहुंचे तो लगभग 2000 कर्मचारियों को रोक दिया गया और रिजर्व के रूप में वापस रखा गया है, क्योंकि उनके पास यादव उपनाम था। वे भूल जाते हैं कि केवल यादव ही नहीं, सभी सपा को वोट देते हैं। रामपुर के पूर्व विधायक और सपा नेता आजम खान ने भी ये कहा कि पुलिस प्रवक्ता लगातार कर रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है, लोगों को पीट रही है, पुलिस कॉलोनियों में जाकर के सब लोगों को वोट देने के लिए बाहर नहीं निकलने के लिए लगातार धमकियां दे रही है। एक कॉलोनी के लोगों ने अपने घर को बंद किया है और डर के मारे वहां से पलायन कर रही हैं। जगह जगह बोला जा रहा है कि वोट मत डालो। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि मुस्लिम बहुल इलाके में लोगों के वोट नहीं डालने दिया जा रहा। राम गोपाल यादव ने कहा कि मैनपुरी में बूथ संख्या 141, 142, 143, 144, 45 और 46 पर एजेंटों को अनुमति नहीं दे रहे थे। हमने रिटर्निंग ऑफिसर से बात की, मैं पता लगाऊंगा कि क्या बाद में अनुमति दी गई थी। इसी तरह बीजेपी के गुंडे नशे की हालत में मैनपुरी के बिजली घर में आए और हमारे एजेंट को धक्का देकर बाहर कर दिया। पुलिस और प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। इसके अलावा राम गोपाल यादव ने रामपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कहा कि रामपुर में तो वोट तक नहीं डालने दिया जा रहा, आए दिन लोगों की पिटाई शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस समय वहां वही एसएसपी हैं जिन्हें चुनाव के दौरान मेरी शिकायत पर फिरोजाबाद से हटा दिया गया था। ये एसएसपी पिछली बार भी थे और अब भी हैं। सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन जनता सबसे ऊपर है, जो कि पुलिस प्रशासन अपनी खुद की पर्सनल खुन्नस समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं से निकालता हुआ दिखाई दिया। ठीक यही प्रोसेस जो है पुलिस प्रशासन और उनके जो लोग हैं, उनके अधिकारी हैं, उनकी खुन्नस रामपुर में आजम खान के साथ साफ तौर पर देखी जा सकती है, जहां खुद आजम खान की कह रहे हैं कि तकरीबन कई हजार मुसलमानों को वोट डालने से रोका जा रहा है। ठीक यही तस्वीर मैनपुरी से सामने आई, जहां 2000 लोगों को वोट डालने से रोक दिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की जो नियत है चुनाव जीतने की, उस पर कई सारे सवाल खड़े करती है। कब तक पुलिस प्रशासन और तमाम चीजों के दम पर वोटिंग करवाई रहेगी भारतीय जनता पार्टी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और ऐसे में मुस्लिम बस्तियों में किस तरीके से पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी चल रही है वोटिंग के दौरान, इसकी भी पोल लगातार सोशल मीडिया पर खुलती हुई दिखाई दे रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।